हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मोहिनी डिलीशियस फूड में। अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें। आज हम बनाने वाले हैं एमपी की मशहूर रेसिपी जिसका नाम है घोटा आलू और मालपुआ। ये बहुत ही स्वादिष्ट और बेहतरीन रेसिपी बनने वाली है, तो चलिए शुरू करते हैं हम इस रेसिपी को बनाना। बनाने से पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हमने कुछ ले लिए सब्जियां। सब्जियों में हमने लिए अदरक, गाजर, शिमला मिर्च, लहसुन, मिर्च। मिर्च हमने दो कलर की लिए, एक रेड लिए, एक ग्रीन लिए। टमाटर लिए, प्याज, बैंगन लिया एक हमने छोटा सा। हम सभी को काट लेंगे मीडियम साइज में। हमने कुछ टमाटर ले लिए। टमाटर को हमें बड़ा बड़ा काटना है। बड़ा बड़ा हम इसलिए काटेंगे क्योंकि हमें इसको करना है ग्राइंड, तो हम सारे टमाटर को बड़ा बड़ा काट लेंगे। टमाटर हमारे कट के रेडी हो चुके हैं, हम इसको करेंगे ग्राइंड। हमने जार ले लिया है, जार में हम सारे टमाटर को डाल देंगे और इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। पेस्ट हमारा बन के रेडी हो चुका है, हम इसको निकाल लेंगे कटोरी में। अब हमने प्याज को ले लिया है, प्याज को मीडियम साइज में काट लेंगे जिससे इसका फ्लेवर और अच्छा आएगा, देखने में भी खाने में भी। हमने सारी प्याज काट लिया है। हम ले लेंगे गाजर को, गाजर को भी हम मीडियम साइज में काट लेंगे। हम लेंगे शिमला मिर्च, इसको भी हमें मीडियम साइज में ही काट लेना है। हम लेंगे बैगन, बैगन को भी हम इसी तरीके से काट लेंगे। लहसुन को भी हमने काट लिया है छोटा छोटा। हम लेंगे मिर्च, मिर्च को हमें पूरा नहीं काटना है, बस बीच में से कट लगा देना है। आप देख सकते हो कि हमने सारी सब्जियों को काट के रेडी कर लिया है बनाने के लिए। अब हमने ले लिए आलू। आलूओं को पहले हमने बॉइल किया था, फिर हमने उनको अच्छे से छील लिया है। अब हम इसको अच्छे से मैश कर लेंगे हाथ से। आप चाहो तो मैसर का भी यूज कर सकते हो आलूओं को मैश करने के लिए, बट हमने इसको हाथ से मैश किया है। आप किसी से भी इसको मैश करो, बट इसका जो साइज है हमें मीडियम रखना है। सारे आलू हमारे अच्छे से मैश हो चुके हैं। अब हम लेंगे एक कढ़ाई। कढ़ाई में हम ऐड करेंगे ऑयल। ऑयल को कुछ देर तक गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें ऐड करेंगे एक चम्मच जीरा, साथ ही ऐड करेंगे कटा हुआ प्याज। इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसमें ऐड करेंगे हम हरी मिर्च को, जिसको हमने बीच में से काट लिया था बड़ा बड़ा, जिससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आने वाला है। साथ ही ये बहुत ही देखने में भी अच्छी लगने वाली है। आप चाहो तो मिर्च को अलग से भी खा सकते हो उसमें सब्जियों के साथ। हम ऐड करेंगे कुछ बैंगन, इनको हमने छोटा छोटा काट लिया था मीडियम साइज में। अब हम ऐड करेंगे शिमला मिर्च को, साथ ही ऐड करेंगे गाजर को। सारी सब्जियों को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। सब्जियां हल्की हल्की फ्राई हो चुकी हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे खड़े मसाले। मसाले में हमने ऐड किया है काली मिर्च, लौंग और मसाले लकड़ी। अब हम इसमें अच्छे से इसको चला लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे मसाला पत्ता, साथ ही हम ऐड करेंगे लाल मिर्च, वो भी खड़ी वाली। इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे साथ में ही। आप देख सकते हैं कि हमने जो मसाले लिए हैं वो हमने सब्जियों के ऊपर से डाले हैं, वो इसलिए कि उसमें जो स्वाद है ना बहुत अच्छा आने वाला है। अब हमने ले ली एक कटोरी। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक चम्मच हल्दी, एक चम्मच धनिया, एक चम्मच गर्म मसाला, एक चम्मच लाल मिर्च, एक चम्मच नमक स्वाद अनुसार, एक चम्मच MDH का मसाला। अब इसमें पानी डाल लेंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा जो मसाला है अच्छे से बन के रेडी हो चुका है। अब हम जो हमारी कढ़ाई में जो सब्जियां बन रही थी उसमें हम डालेंगे सारा मसाला। मसाले को हम अच्छे से पका लेंगे। आप देख सकते हैं इसका जो फ्लेवर कितना अच्छा आ रहा है, इसका कलर भी कितना अच्छा लग रहा है। ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी बनने वाली है सब्जी। अब हम ऐड करेंगे ऊपर से अदरक, किसके इसको हम कद्दूकस कर लेंगे। अदरक को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे लहसुन कटा हुआ। लहसुन को हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। लहसुन की और अदरक की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें। अब हम इसमें ऐड करेंगे साथ ही टमाटर का पेस्ट। पेस्ट को हम अच्छे से पका लेंगे और 5 मिनट के लिए इसको झाँक के रख देंगे जिससे ये अच्छे से पक के रेडी हो जाए। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको खोल के देख लेंगे। ग्रेवी हमारी अच्छे से बन के रेडी हो चुकी है और इसमें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू। आलू को हमें अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना है और चला लेना है
इससे ये अच्छे से मिक्स हो जाए आपस में। साथ ही हम ऐड करेंगे इसमें एक गिलास पानी। हम इसको 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे जिससे ये अच्छे से पक जाए और बनके रेडी हो जाए। हमारी सब्जी अच्छे से पक के रेडी हो चुकी है, हम इसको खोल के देख लेंगे। फाइनली हमारी सब्जी अच्छे से बनके रेडी हो चुकी है। इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और टेस्ट में तो बहुत ही यूनिक लग रही है। अब हम इसमें डालेंगे ऊपर से धनिया। धनिया भी हमारा डर के रेडी हो चुका है, हम इसको सर्व कर लेंगे। आप देख सकते हैं जो घोटा आलू है हमारे बन के रेडी हो चुके हैं, बहुत ही स्वादिष्ट। ये है एमपी की फेमस सब्जी। अगर घोटा आलू कहीं नहीं बनते हैं तो बोलते हैं कि ये कुछ बना ही नहीं है। साथ ही हम बनाने वाले हैं मालपुआ। मालपुआ के लिए हमने कटोरा ले लिया और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे एक कटोरी चीनी। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। अब हम देंगे इसको इंडक्शन पे जिससे हमारी जो शक्कर है अच्छे से मेल्ट हो जाए। वो भी जल्दी शक्कर हमारी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, हम इसको थोड़ी देर ठंडा होने देंगे। ये हमारा जो घोल है ठंडा हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक कटोरी आटा और आटे को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है जिससे ये घोल हमारा अच्छे से तैयार हो जाए। घोल में चीनी और आटा अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कलर। कलर को हमें अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है घोल में। आप देख सकते हो कि हमारा जो घोल है कितने अच्छे से रेडी हो चुका है और इसमें कितना अच्छा कलर आया है। हमने कढ़ाई को ले लिया है, अब हम इसमें ऐड करेंगे ऑयल और ऑयल को अच्छे से गर्म होने देंगे हम। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, अब हम इसको एक बार चला लेंगे। मालपुओं को हमें कुछ इस तरीके से बनाना है। घोल को हम एक चमचे में ले लेंगे और तेल के बीचों बीच डाल देंगे। आप देख सकते हैं जो हमारा पुआ कितने अच्छे से फैल रहा है और कितने अच्छे से सिक रहा है। अब हम इसको अच्छे से पलट देंगे, दूसरी साइड भी हम इसी तरीके से इसको सेक लेंगे। मालपुआ हमारे अच्छे से सेक के रेडी हो चुका है, अब हम इसको निकाल लेंगे। हमारे मालपुआ बन के अच्छे से रेडी हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कितना पतला कितना अच्छा सेक के रेडी हो चुका है। हमारे एमपी के ये सबसे फेमस डिश है मालपुआ और घोटा की सब्जी। आप ये डिश जरूर ट्राई करें, ये बहुत ही टेस्टी और लाजवाब होती है खाने में। एक बार आप खाएंगे तो बार बार इस रेसिपी को जरूर बनाएंगे। आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे ऐसी ही मजेदार रेसिपी हम आपके लिए लाते रहेंगे। कल फिर मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक नमस्कार।